ये कहानी शुरू होती है जर्मनी के ट्रियर शहर से, जहां 5 मई 1818 को जन्म होता है उस बच्चे का जो आगे चलकर अपने विचारों से इस समाज की नींव को हिला कर रख देता है। हम बात कर रहे हैं विश्व इतिहास के सबसे बड़े और कंट्रोवर्शियल रिवॉल्यूशनरी फिलोसोफर कार्ल मार्क्स की, जिसने इस दुनिया को हमेशा के लिए दो भागों में बांट दिया, हैव्स एंड हैव नॉट्स, वंचक और वंचित। मार्क्स का मानना था कि इस दुनिया में मूल समस्या धन की है और शोषण को खत्म करने का एक ही रास्ता है कि सारे वंचित वर्ग के लोग मिलकर वंचकों के खिलाफ एक हिंसक क्रांति करें, और जिस दिन ये क्रांति होगी उस दिन पूंजीवाद का नाश हो जाएगा और साम्यवाद यानी कम्युनिज्म की स्थापना होगी, मतलब एक क्लासलेस और स्टेटलेस समाज का उदय होगा। और फिर उनके एक मैसेज ने दैट प्रोलिटेरियन हैव नथिंग टू लूज बट देयर चेन्स, दे हैव अ वॉल टू विन। पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जो पहले कभी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुआ था।